ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कंती वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती है, तीन नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद हार कंकन खनखनाती हुई करधनी और रुनझुन करते हुए नपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। देवी सूक्तम। महर्षि अभ्रम की कन्या नाम मोक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसकी के ये उद्गार है, मैं सच्चिदानंद में सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्वदेवगणों के रूप में से विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पुष और भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से उत्सम्पन्न हो देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति करता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हो। मैं प्रपंच रूप से अपने भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्ति से खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कोई हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं देवता और मनुष्य द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुषों की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही रूही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुषों को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतजनों के लिए रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थित है। यतेव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से सब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ। तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं की वायु ही भांति चलती हूँ। स्वच्छ से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परी हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हूँ।